नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मनाहिल शेख। और मनाहिल शेख ने आपसे वादा किया था कि कराची के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो NS से हों या PS से हों, कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, लेकिन हम सबसे फर्दन फर्दन आपकी बात करवाएंगे। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ ऊपर की बातें या सुनी सुनाई बातें होती हैं, लेकिन जब आप किसी कैंडिडेट का मौकिफ, उसका बयान, उसका मैनिफेस्टो जानते हैं, तब आपको पता चलता है कि उसने वाकई क्या काम किया, उसकी बैक हिस्ट्री क्या थी। वरना ओवरऑल जो बातें घूम रही होती हैं, वो उसमें से जो होता है ना, कहते हैं 80% झूठ भी होता है। तो इसीलिए मैं आपको तमाम कैंडिडेट से जो है उनके मौकिफ लेकर जाती हूँ, उनके मौकिफ बताती हूँ। और इसके साथ साथ ये भी कहती हूँ कि आवाम बाशऊर है, आवाम आके खोल ले और आवाम अपनी मर्जी के साथ सबको जान कर समझ कर फिर वोट कास्ट करे। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि नए नहीं है, जिन्होंने बहुत सारी सुबह शामें बहारें देखी हैं सियासत की, और 2008 से लेकर 2018 तक वो जो है दो बार MLA रहे हैं, तीसरी बार चंद वोटों से हार गए, लेकिन उनको बहुत एक्सपीरियंस है किस तरह से पॉलिटिकल जो है वो इश्यूज होते हैं, किस तरह से हमें सियासत करनी है, किस तरह आवाम के काम आना है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सबसे पहले तो ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आप एक मंझे हुए सियासतदान हैं। आपको पता है कि ये फूलों की सेज नहीं है, कांटों की सेज है, और आप दो बार XMNE भी रह चुके हैं, तो फिर आपको आवाम का किस तरह से खिदमत करनी है, और इसी खिदमत के जज्बे से आप मेरे ख्याल में चौथी बार स्टैंड कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपने जब 2008 से 2018 तक कंटिन्यूसली आप MNA थे, आप किस पार्टी से? पहले तो बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने टाइम दिया, और मेरा मौकफ जो है कराची की और बिलखसूस पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाया। देखें, ये एक सियासत जो है ये एक खिदमत का जज्बा है। मैं पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट टैक्स पेयर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि क्योंकि कराची ही की मेरी पैदाइश है, कराची की ही मेरी तालीम है, और कराची ही मेरा शहर है, और मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि अगर कराची है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो कराची है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि कराची जो है ये वो शहर है जिसमें हर जबान, हर रंग, हर नस्ल, हर मज़हब के लोग आते हैं और जाते हैं, और कराची शहर जो है वो एक वो शहर है जो सबको यहाँ पे पालता है, और अल्हम्दुलिल्लाह शहर में कोई भूखा नहीं सोता। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची शहर के, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है, 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, एक तो कराची शहर की आबादी को हमेशा गिना कम गया, जब कम गिना गया तो उसके हिसाब से आपको पता है कि वोटों का तनासुब भी कम हुआ। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि कराची की आबादी को जब तक आदाद शुमार आपके गलत होंगे तो आप किसके लिए कितना पानी मांगेंगे, कितनी उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी मांगेंगे, उसके लिए कितना सॉलिड वेस्ट मांगेंगे, हेल्थ का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, इसका फुकदान है कराची में। अफसोस होता है कि 75 साल कोई भी हुकूमत रहे, मैं उसमें तंज नहीं करूँगा और ना मैं कोई आज नेगेटिव बात करूँगा। मैं ये कहता हूँ कि जी कराची जो है वो पाकिस्तान का जब हब है, तो हम सबको मिलके कोई भी पार्टी हो वो इसको अमन व अमान दे, इसके लोगों की खुशहाली के लिए सोचे, इस शहर के लोगों के इलाज मुआलजे की सहूलत के बारे में सोचे, इस शहर में तालीम के बारे में सोचे, इस शहर में यूनिवर्सिटीज़ बनाने के बारे में सोचे, पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, मतलब मसाइल अगर मैं गिनाने शुरू करूं तो मसाइल की कोई एंड नहीं है, ये समझ लें कि एक शैतान की आंत है। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि कराची जो है वो कई पार्टियों के पास रहा, लेकिन कराची को किसी ने ओन नहीं किया। ये बात है कि कराची को किसी ने अब तक ऑन नहीं किया, कोई इसका सरप्रस्ट नहीं बन रहा। जी हाँ, तो कराची को किसी ने ऑन नहीं किया, लेकिन पहली बार जनाब आसिफ अली जरदारी और बिलावल साहब ने इस बार जो कैंडिडेट्स दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उसमें चाहे NA पर हों चाहे PS पे हों, वो सब कराची के और उन्हीं इलाकों के रहने वाले हैं, और सेकेंड ये है कि वो सब के सब कराची के मोस्टली बिजनेस मैन हैं जिनको शायद अब उनका पेट भरा हुआ है, लफ्ज़ कहूंगा, नो नीड फॉर मनी, एंड इस कास्ट के लिए वो नहीं आ रहे। ये जो लोग भी आए हैं वो इस जज्बे से आए हैं कि कराची को वापस एक रोशनियों का शहर बना जाए, कराची को एक वही अमन दिया जाए जो हमारे हजार सैकड़ों पुलिस वालों ने शहादतें देके और लॉ एनफोर्समेंट रेंजर्स ने शहादतें देके कराची को एक अमन दिया। वरना कराची का अगर आप 6 साल 7 साल पहले के हालात देखें
तो उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि ये मुझे आप लोगों को वो देना चाहिए एजाज के मैंने कराची को अमन दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची को अगर अमन दिया तो पुलिस और रेंजर्स ने दिया। और इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अब कराची जो है वो सियासत का मुहतमल नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ कराची में जिसका मैंडेट है वो बंदूक की ताकत पर नहीं, अपने अखलाक पर, अपने मैनिफेस्टो पर और कराची की आवाम की खिदमत के ऊपर अगर अपना काम करे तो शायद हम बहुत लंबा अरसा नहीं है, 2-3 साल में इंशाल्लाह ताला हम शायद कराची को बदल सकते हैं। और इस वक्त खुशनसीबी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहली बार मेयर जो है एक नौजवान कराची का पढ़ा लिखा लड़का जो है वो है, और उसकी ख्वाहिश भी यही है। और आसिफ अली जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो साहब की, और फिर डॉक्टर आसिम सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं जो इस इलाके के अंदर अभी तक कोई 21 से 22 अरब रुपए के काम कर चुके हैं जबकि हमारे पास यहाँ पे कोई मैंडेट नहीं था। इस बार भी आपने ये देखा कि ख्वाजा साहब आप मुझे वो काम जो है 21 से 22 अरब थोड़ा सा मोटा मोटा बताएंगे। देखिए इसमें शाहराए नूर जहाँ है, बहुत बड़े बड़े रोड हैं, अभी आप आई होंगी, नालों को कवर किया गया है, रोडों को चौड़ा किया गया है, नालों पर बहुत बड़ा काम हो रहा है क्योंकि जब बारिश होती थी तो पूरा नॉर्थ नाजोबा डूब जाता था, कच्ची आबादियां तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती थी। तो उस हिसाब से हम रोडों के ऊपर काम कर रहे हैं, पार्क्स पे काम कर रहे हैं, नालों पे काम कर रहे हैं, उनकी सफाई पे काम कर रहे हैं। सिर्फ हमें दिक्कत ये आ रही है कि जैसे कुछ एरिया KMC के पास आता है और कुछ एरिया जो है वो टाउन्स के पास आता है। तो अब जमात इस्लामी यहाँ पे टाउन्स में ज़्यादा मजबूत है, तो मैं उनको ये कहता हूँ, आज दावत देता हूँ कि आए कराची वालों के लिए मिलकर क्यों ना काम करें। अगर वो नाला गुजरेगा तो वो ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी वालों के लिए साफ होगा, आगे जाके वो आपकी महम के लिए साफ होगा, जमात इस्लामी के जो मजहबी लोग हैं उनके लिए भी सफाई होगा। तो हमें एक कंबाइंड कोशिश करनी पड़ेगी और हम सबको अब कराची के लिए एक सियासत का एजेंडा लाना पड़ेगा कि हमें कराची को बनाना है और कराची को सजाना है और कराची के जो यूथ है उसको कराची में इज्जतदार रोजगार दिलाना है, उनको कॉटेज इंडस्ट्रीज लगवानी है, फिर खासकर औरत को एम्पावर करना है। और हमारी बच्चियां जो हैं उनको इतनी दूर यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है, यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर एक पूरा आपके पास यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आबादी देखी जाए तो वो भी मेरे ख्याल 50-60-70 लाख से कम नहीं होगी। तो इतने तो इस साइज़ के तो दुनिया में शहर होते हैं, मुल्क होते हैं, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि किसी सूरत में भी हमारे बच्चे जो हैं वो अपने इलाकों में पढ़ें, अपने इलाकों की डेवलपमेंट में करें। जो भी पार्टी है उसके साथ जो भी यूथ है या जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी माएँ बहनें हैं, वो सब मिलके काम करें। उसकी वजह यह है कि अगर मेरे घर के बाहर कचरा पड़ा होता है तो मैं पड़ोसी की तरफ नहीं डालता, मैं अपने कचरे का जिम्मेदार बनूं कि अगर मैं मेरे घर के बाहर पड़ा है तो मैं उसको उठा के डालूँ, या हम आपस में एक दूसरे को एजुकेशन देंगे, ये मोहल्ला या गली मेरी है, आप प्लीज़ कचरा ना फेंकें, एक कचरा डान पड़ी हुई है उसके अंदर आप लोग डालें। इस तरह से देखें, जब हम नीचे की सतह पर आपस में कुछ चीज़ें लेके चलेंगे, जैसे एक घर है, हम ये समझें कि ये जो B7 Block L की गली है ये सब एक एक ख़ानदान है, हम सब अपने शहर को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को जिस दिन ओन करने लग जाएंगे उस दिन आपके पार्क भी बन जाएंगे, उस दिन आपके पानी के मसाइल भी हल हो जाएंगे, उस दिन आपके अंदर जो एक इख्तलाफात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक माँ के अगर 6 बच्चे होते हैं उनमें भी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब माँ बीमार होती है वो 6 के 6 बच्चे जो हैं अस्पताल में बैठे हुए होते हैं, हमें अख्तलाफात नहीं कर रहे होते। तो ये समझ लीजिए कि मेरा मुल्क और मेरा शहर, हम मेरी माँ है और हम ICU में है, अभी पाकिस्तान ICU में है, ये कह सकते हैं। मैं नहीं कहता इस बात को, मैं नहीं कहूँगा पाकिस्तान ICU में है। हमारी मुसीबत ये है, हमें लीडरशिप नहीं मिली। पाकिस्तान को कायदे आजम के बाद कोई लीडरशिप नहीं मिली। अगर पाकिस्तान को एक लीडरशिप मिल गई और 3 साल लीडरशिप मिल गई तो मैं कहता हूँ ये एशियन टाइगर होगा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हमको 4 मौसम दिए हैं, समंदर दिए हैं, दरिया दिए हैं, नहरें दी हैं, हमारे पास आबी वसाइल हैं, हमारे पास मिनरल के वसाइल हैं। हम जो टैक्स के निज़ाम को एक जगह पे लेके जा रहे हैं, हमें उस निज़ाम को वस्त करना पड़ेगा। हर आदमी अपना टैक्स दे और जब अपना टैक्स दे तो अपनी ओल्ड एज बेनिफिट भी ले, अपनी सैसी से जो है अपना इलाज मुआवजा। और ख्वाजा साहब, मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगी, मैं आवाम को बताती चलूँ कि ख्वाजा साहब जो हैं, ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब एक बिजनेसमैन हैं और आई थिंक ये जहाँ तक मैं बिजनेसमैन को जानती हूँ, बहुत कम लोग होते हैं, सब कुछ कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं कि हम टैक्स को बचा लें, लेकिन ये ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को टैक्स पे किया है।
और ये बिजनेसमैन है, तो इसलिए नो नीड फॉर मनी इसलिए नहीं आ रही है, ये सिर्फ कौमी खिदमत और कौमी जज्बे के लिए आ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है और एक अच्छा मैसेज भी है कि तमाम जो लोग हैं बिजनेसमैन हैं वो अपना टैक्स पे करें। और इवन ये भी होना चाहिए कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं स्टैंड कर रहे हैं उनका वो चेक करना चाहिए कि उन्होंने कितना टैक्स। देखिए मैं तो पहले सबसे पहले ये कहता था कि जैसे हमारे पास आरओ साहब स्क्रूटनी करते हैं तो सबसे पहले तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिल्कुल। और पार्टियों को भी ये चाहिए कि पार्टियां पहले अपने तौर पे स्क्रूटनी करें, अगर वो आदमी कहीं करप्शन में किसी गलत जगह पे किसी इवेजन में किसी और चीज़ों में है तो उसको टिकट नहीं देना चाहिए। सही बात। ताकि जब तक मेरी पार्टी मेरा एहतसाब करके मुझे नहीं भेजेगी और मैं पैसे कमाने की नीयत से या लालच से आऊँगा तो जाहिर है कि मैं एक आवाम को कुछ भी नहीं दे सकूंगा। अब आवाम जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हो गई है, क्योंकि एक मीडिया का बहुत बड़ा दौर आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि मैं जाके किसी जगह पे छुपके कोई काम कर दूं या छुपके ना करूं, अब तो मीडिया की आंख खुली हुई है और मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है इस वक्त मुल्क की बेहतरी के लिए। इसी तरह हमारी अदलिया भी एक बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है, इलेक्शन कमीशन भी एक रोल अदा कर रहा है और इसके अलावा हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके एक बेहतर कारनामे हैं। इसके अलावा ये है कि देखिए मुझे सिर्फ कहीं पे एक दुख होता है कि इमरान खान साहब जो आए थे वो एक रोल मॉडल आए थे हमारी यूथ के लिए और शायद मैं भी उनको पसंद करता था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वही काम किया जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने किया। देखिए जहां आपको मुल्क में अल्लाह इज्जत दे रहा है, उन्होंने जो हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है इमरान खान नियाजी साहब ने जो बॉर्डरों पर अपनी जानों की कुर्बानी दे रही है और उनकी वजह से हम आज दिन में और रात में सुकून से शहर में रहते हैं या मुल्क में रहते हैं, आप अगर उनके शहीदों को या उनकी तस्लीमात को आप अगर इस तरह से डैमेज करेंगे और लोगों के अंदर एक अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का पैगाम देंगे तो मैं समझता हूं कि उस शख्स को सजाए मौत होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास आपको याद ही होगा 3-4 साल वाकया है जो पेशावर में बच्चों के स्कूल के ऊपर APS में हुआ, उसमें किन के बच्चे मारे गए। हाँ, और या आज भी उनके घर का अगर कोई बच्चा शहीद हो के उनके घर पे जाता है उसका जनाजा जाता है तो उसकी माँ की आंख में आंसू नहीं होते, उसके बाप का सर फख्र से बुलंद होता है और वो एक ही बात कहते हैं ये वतन हमारा है हम पासवान इसके। बिल्कुल, नो डाउट सुरेश साहब, आर्मी हमारी रेड लाइन है, आर्मी हमारी वो है, हमारे सर का ताज है, माथे का झूमर है, आर्मी है तो हम चैन सकून से सोते हैं। और आपने अच्छा मैं एक सवाल भी करना चाह रही थी कि आप MQM से शिफ्ट यहाँ पर क्यों हुए पीपल्स पार्टी में, उसका जवाब आपने बीच में दिया भी कि अल्ताफ हुसैन का आपने जिक्र किया मुझे, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में बताइएगा ऐसी क्या वजह थी, आप MNA रहे, आपको टिकट भी मिला, फिर आप पीपल्स पार्टी में आ गए तो क्या खास कोई इख्तलाफ था क्या था? देखिए मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से जो नफरत करेगा मैं उसका दुश्मन हूँ और एक वजह तो सबसे बड़ी है। दूसरी वजह यह है कि आपको 36 साल कराची की आवाम ने एक मैंडेट दिया, आपको फूलों के हार पहनाए, आपके सर पे ताज रखे, कराची का आपने हशर तबाह कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि सिंध गवर्नमेंट, देखिए मैं आज इस जगह पे वसूख से कहता हूँ कि मैं हारूँ या जीतूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अगर मैं बैठा हुआ हूँ या नॉर्थ आंदोबाद के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ NA 250 में, तो क्योंकि जब गवर्नमेंट आनी है सिंध में तो पीपल्स पार्टी की आनी है, फेडरल में भी इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब आएंगे। टिकट मिला है और फिर आप जो है खुद से भी आपके अंदर जज्बा है काम करने का, तो आप मुझे लगता है कि कौमी असेंबली से वो लेकर आएंगे, क्या कहते हैं उनसे मिन्नत नहीं करेंगे कि मुझे आप ये दें ताकि मैं आवाम के लिए काम करूं, आप छीन कर लेकर आएंगे और आप अपनी आवाम के। देखिए मेरा छीन के आपका जज्बा ही बता रहा है, मेरा छीन के लाने का इसलिए हक है कि अगर मैं मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ तो मैं उनसे अपना हिस्सा जो है भीख में नहीं मांगूंगा बल्कि मैं डंडे के जोर पे मांगूंगा कि जी मैं टैक्स देता हूँ, मेरा कराची टैक्स देता है, मुझे मेरा हिस्सा कराची का चाहिए, और सिंध को जो टैक्स देते हैं सिंध से भी मांगूंगा कि मेरा हक है मुझे दीजिए। और जाहिर है अगर मैं पीपल्स पार्टी का एक कारकुन बनकर आया हूँ और उनकी सीट पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है मुझे किसी जगह पर ये जाके कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बेख्तियार हूँ। मैं आज भी अब कराची की कौम को कह रहा हूँ और कराची की आवाम को कह रहा हूँ, नॉर्थ आंदोलन की खास कौम NA 250 के, कि मैं एक बाख्तियार हूँ, मैं इख्तियार के साथ आया हूँ और आपको इख्तियार के साथ दिलाऊंगा। और ये जिस दफ्तर में मैं बैठा हुआ हूँ ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का दफ्तर है, ये मेरा ही घर है, मैंने इसको ऑफिस बनाया है और मैं आवाम को ये कहता हूँ आके यहाँ देखें और आप किरदार को वोट दें, आप किरदार को वोट दें जिसका किरदार अच्छा हो, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसको लोग जानते हों, जो एक इज्जतदार आदमी हो,
उसके बाद आप उसके आके गिरेबान को भी पकड़ सकते हैं, वो आपके अंदर मौजूद होगा और आपका हक भी होगा। अगर आपका काम नहीं होता तो आप मेरे दरवाजे पे आके खड़े हों, क्योंकि मैं कराची का हूँ, मुझे कहीं सिंध से नहीं आना, मुझे कहीं पंजाब से नहीं आना, मुझे किसी और जगह से नहीं आना, मैं इसी इलाके का रहायशी हूँ और तकरीबन मेरे ख्याल में 35-36 साल में इस घर में रहा हूँ, पैदा भी यहीं हुआ हूँ। अच्छा। तो मेरे ख्याल में आधा शहर तो मुझे, आधा इलाका। आप कहाँ रहते हैं? मैं अब डिफेंस में हूँ। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हुई, बहुत हालात खराब हुए और फिर मेरे ज़ाहिर है बच्चों के स्कूल वगैरह वहाँ पे थे, तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। उसकी वजह कि डिफेंस के लोग भी वही हैं जो नॉर्थ अहमदाबाद से गए, और नॉर्थ अहमदाबाद से भी लोग जो हैं डिफेंस में आए। पहले नॉर्थ अहमदाबाद में ही रहते थे और अब सबके सब वहाँ शिफ्ट हो गए। देखिए, नॉर्थ अहमदाबाद जो है ये इस्लामाबाद का कैपिटल बनने से पहले नॉर्थ अहमदाबाद ही कैपिटल था। NA 250 ये कैपिटल था और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग, सबसे ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग इसी इलाके के हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लोगों में बहुत तालीम का रुझान है और सारी चीज़ें हैं। हाँ, मुझे अफसोस होता है कि कभी कभी ये जो मेन रोड के ऊपर आप देखते हैं कि 17-17 स्टोरी की बिल्डिंग बन गई 1000 गज पे, नहीं देखें, मैं कहता हूँ बिल्कुल बननी चाहिए। पूरी दुनिया में हाई राइज का निज़ाम है, लेकिन आप एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाते हैं दुबई की तरह, टर्की की तरह। आपने तो बेहजम जो हैं वो बिल्डिंगें खड़ी कर दी सिर्फ अपने नक्शे पास करके पैसे लेने के लिए। ना आपने रोड का हाल देखा, ना आपने फेयर सर्विस का निज़ाम देखा, ना आपने पानी का निज़ाम देखा, ना आपने बिजली का निज़ाम देखा, ना सेहत का निज़ाम देखा, ना तालीम का निज़ाम देखा, ना आपने बाग़ों की तामीर की, बल्कि आपने तो बाग़ों को उजाड़ना किया है, बल्कि आपने तो उसको चाइना कटिंग में PhD कर दिया। यानी कि SBCA को भी कोई मैसेज है आपका इसमें? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी इन्वॉल्व है वो सजा का हवलदार है। ये नहीं है कि आज मैं चला जाऊँ तो मैं बोलूँ कि मेरा नहीं था। मैं तो कहता हूँ सबको एहतसाब की अदालत में आना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि देखें, पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप गद्दारी करेंगे या पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ आप धोखा दही और बदमाशी करेंगे तो आपको आज नहीं तो कल सजा मिलेगी। अल्लाह के यहाँ तो मिलनी है, लेकिन यहाँ पर भी एक निज़ाम होना चाहिए। और मैं फिर एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पास, क्योंकि कानून में हमारे पास जजेस की बहुत कमी है, उसकी वजह जजेस तो हैं, मुझे लगता है हमारे केसेस बहुत लेट हो रहे हैं। नहीं, हमारे पास क्योंकि जजेस की बहुत कमी है, उसकी वजह ये, आज कराची की आबादी अगर 3.5 करोड़ है तो उसके तनासुब से आपको जजेस को लाना चाहिए ताकि वो केस जल्दी से जल्दी निपटा सकें। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि जब कराची की आबादी को आप सही तरीके से गिनेंगे और सही कैलकुलेट करेंगे तो आपके हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 22 MNA हों और 43 MP हों, जो एक वो बनती है आपकी इलेक्शन की वो। तो जब आप कराची को उस तरह का हक देंगे, आप अगर ये सोचते हैं कि इस्लामाबाद में कराची का हक नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा नाइंसाफी और जुल्म और अरबाब आवाम को फिर वो सहूलियात मैसर नहीं होंगी। अगर जैसे जैसे आपने बताया कि पूरी गिनती नहीं होगी तो उस हिसाब से पानी की लाइनें नहीं होंगी, सर्विस का निज़ाम नहीं होगा, एजुकेशन हेल्थ है, हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं फिर आवाम जो है वो ज़ाहिर रोएगी और उससे महरूम रह जाएगी। ये मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि आप यहाँ पैदा हुए, आपकी एजुकेशन यहाँ की है, तो आफ्टर इलेक्शन योर डोर इन दिस ऑफिस 24 आवर ओपन फॉर कॉमन पीपल? जी जी जी, ये बिल्कुल परमानेंट ऑफिस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरीट है और ये इलेक्शन जीते हैं हारें, ये इसके ऊपर बाकायदा जो है हमारे, अगर जो भी इंशाल्लाह सिंध के मिनिस्टर होंगे या फेडरल के मिनिस्टर होंगे वो यहाँ बैठेंगे, पब्लिक के मसाइल को हल करेंगे और इसको बिल्कुल हम एक रोल मॉडल ऐसा बना रहे हैं कि आवाम को जो है वो यहीं पर आकर रिलीफ मिले, ना कि उनको यहाँ वहाँ भागना पड़े। यहाँ पर कभी फेडरल मिनिस्टर बैठेंगे, कभी सूबाई वजीर बैठेंगे, कभी इंशाल्लाह सिटी गवर्नमेंट बैठेगी, कभी मेयर बैठेंगे और यहीं पे लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे, सेंट्रल के मसाइल को यहाँ पे ही देखा जाएगा इंशाल्लाह। ये तो एक बड़ी गुड न्यूज है सेंट्रल वालों के लिए कि ये जो इनका घर है ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब का, इन्होंने एक सेक्रेटरीट बना दिया है और यहाँ पर फेडरल के मिनिस्टर्स भी बैठेंगे, यहाँ पर जो है जो सूबाई मिनिस्टर्स हैं वो भी बैठेंगे और यहीं पर सबकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आई थिंक सेंट्रल की आवाम को अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए। आप फर्दन आप पर्टिकुलर किसी पर्सन को देखिए, आप ओवरऑल मत देखिए और सबको मिक्स मत करें, आप ये देखें कि वाकई किसका क्या बैकग्राउंड है, किसने वाकई किस नीयत से वो आ रहा है और वो हमारे लिए काम कर सकता है, हमारे लिए स्टैंड कर सकता है, हमारे इश्यूज़ को रेज कर सकता है, तो वो ये आपको देखना है आवाम को। अच्छा फौजी साहब, मुझे बताइएगा MPM ये जो है पीपल्स पार्टी है, अभी 15 साल से उनकी गवर्नमेंट है सिंध में,
कुछ चीज़ें इनसे हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं कहीं ना कहीं, इस बात को अगर एडमिट करें तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। कि अब ये देखिए एजुकेशन के अंदर जहाँ पर काफ़ी सारे अब हो रहे हैं, इंटर बोर्ड के अंदर जो हो रहे हैं, और हर स्टूडेंट जो है, अच्छा हाफिज नईम रहमान ने, जमात इस्लामी वालों ने तो कहा है कि आएँ और हमारे पास अपने रिजल्ट जमा करवाएं, तो आपने ऐसा कुछ पब्लिक से कहा है? सेंट्रल के जो नौजवान हैं, इंटर के जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, जिनका रिजल्ट ख़राब आया और जो ए ग्रेड लेता था वो 30% पर आ गया है और वो धरने भी दे रहा है, और 11,000 टोटल तलबा हैं जिन्होंने कराची के, उसमें से सिर्फ 2,000 लोगों ने, 2,000 बच्चों ने ना ये पास किया है। तो ऐसा क्यों है, क्या वजह है इसके पीछे, इसके पीछे किसकी नाहेल है, कौन सा एजुकेशन यहाँ पर डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल नाहेल है? तो ख्वाजा साहब आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स आ सकते हैं आपके पास अपने प्रॉब्लम लेकर? जी बिल्कुल, मेरे पास आ सकते हैं रोज शाम को 5 बजे से लेके मैं 10-11 बजे तक यहीं पर होता हूँ। कुछ करेंगे बिल्कुल करेंगे और बहुत आवाज उठाएंगे, बल्कि उन लोगों के लिए कड़ी सजा की भी तजवीज देंगे, उनको कहीं कानूनी अगर जरूरत होगी तो वो भी हम करेंगे, कहीं फेडरल में या प्रोविंस में उनकी जहां जरूरत होगी हम उनके साथ होंगे, जहां जाना होगा जाएंगे। हम धरनों पे ब्रीफ नहीं करते, आप काम करते हम काम पे डिपेंड करते हैं कि जब डिलीवर करेंगे धरने और यहां वादे और वहीद और जलसे और जलूस तो सब करते रहे, डिलीवर किसने क्या किया? बात यह कि हमारी ख्वाहिश वोट नहीं है, हमारी ख्वाहिश है किसी सूरत में भी पाकिस्तान तरक्की करे और कराची तरक्की करे। और जो कराची का कल एक स्टेटस था कि लोग कहते थे पंजाब से कि हमें कराची जाना है, हमें कराची देखना है, तो मैं कहता हूं कि हमें वही मेहमान नवाजी दोबारा करने का अल्लाह ताला जो है वो एक शर्फ अता फरमाए। मेरी तो यही दुआ है कि किसी सूरत में भी कराची जो है जो कल मेहमान नवाजी थी आज उस मेहमान नवाजी पर रहे। और फिर मैं एक बात और कहता चलूँ कि देखें महाजिर कौम जो है एक पढ़ी लिखी कौम है, सबसे ज़्यादा अगर किसी कौम के अंदर इखलाक मोहब्बत और प्यार और तालीम का रुझान था तो वो महाजिर में था, आज भी महाजिर वही हैं, लेकिन अगर चंद लोगों ने उस कौम को बदनाम किया या बुरा किया या चंद गिनती के लोगों ने उसको अगर ख़राब किया तो मेरे ख्याल में हम किसी के लिए बुरा नहीं कहेंगे। ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरे पास पैदा हुए हुए हैं, मेरे शहर में पैदा हुए हुए हैं, मेरे शहर का गंदा पानी पीते हैं, मेरे शहर की गली गंदी गलियों में रहते हैं, जिनके पास इलाज नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो मैं कहता हूं कि आइए एक बार पीपल्स पार्टी को आजमाइए। आप लोग कहते हैं 15 साल रहे, 15 साल में कराची का शहरी कभी भी जो है पीपल्स पार्टी के फ्लेम्स और फॉर्म से टिकट लेके अड़चन नहीं लड़ रहा था, इस बार कराची के लोग आए हैं और कराची के लोगों पर भरोसा कर लीजिए, कराची के लोग भाग नहीं सकते, आप उनका पीछा कर सकते हैं। अगर आपने सबको आजमा लिया है तो एक बार हमें आजमा लें, अगर वो कहते हैं ना अगर हम सही ना हो तो मनी बैक गारंटी मनी बैक गारंटी। अच्छा यहाँ ख्वाजा साहब ने कहा कि जिनके रिजल्ट सही नहीं आए हैं, तो जिस तरह से जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं कि आप हमारे पास, इस तरह इनके सेक्रेटेरिएट के दरवाजे भी खुले हुए, वो पेरेंट्स वो बच्चे वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी भी के पास जाना हो तो ख्वाजा साहब जो हैं वो खुद हेल्प करेंगे, यूथ के लिए बहुत काम कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी करेंगे। और इसके साथ साथ खुले दिल से कह रहे हैं सबको, चाहे जमात इस्लामी हो चाहे MQM के लोग हो, या आप आएँ आप हमें आजमाएं, और ये हमारे बच्चे हैं, एक बड़ी बात है और ये एक बड़ा दिल रखने वाले, मतलब ख्वाजा साहब की मैंने ये देखा है कि पॉजिटिव थिंकिंग है, वो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव कि जो हो गया सो हो गया, अब उस पर लकीर पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब हमें जो है। अच्छा पंजाब के लोग अभी भी यहाँ आने से डरते हैं। और एक और अहम सवाल कि सेंट्रल के अंदर बहुत ऐसे वाकयात हुए हैं, मैं आपको काउंट भी करवाऊंगी, स्ट्रीट क्राइम का बड़ा रेशो ज़्यादा है, तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं पंजाब हो या पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, मैं उनको कहता हूँ कराची के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए, पहले वीज़ा चाहिए होता था, और अब मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल बेखौफ कराची में आइए, कराची में बिजनेस करें, कराची में आए रहें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अपनी जानों की कुर्बानी देके इस कराची को सेफ कर दिया। बाकी रह गया स्ट्रीट क्राइम्स का, तो स्ट्रीट क्राइम्स के लिए मैं समझता हूं कि जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका एक बहुत बड़ा इकदाम है, क्योंकि अगर आप कराची में डकैती स्नैचिंग फ़ोन छीनना और ये सब देखेंगे तो ये जो गैर मुल्की लोग आए हुए थे ये बहुत बड़ी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि कराची से या मुल्क से जो भी इनलीगल लोग हैं जो बग़ैर वीज़े के कराची शहर या पूरे मुल्क में आ रहे हैं उनको यहाँ से निकाल के वापस भेजा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है ये हालात भी बेहतर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आने वाली गवर्नमेंट इंशाल्लाह सिंध में हमारी है, फेडरल में हमारी है, पीपल्स पार्टी की, फिर उसके बाद आप हमसे सवाल करिएगा
कि इस इलाके में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अभी तो हम आपको जवाब नहीं दे सकते क्योंकि अभी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आपके वादे शादे, हम सब रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बाद में आप लोग मुकर ना चाहे, बाद में हम इनको पकड़ सके, इनको ही नहीं जितने भी उम्मीदवार हैं जितने भी वादे चल रहे हैं वो सब, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि भाई आपने कहा था और अब क्यों नहीं हो रहा। स्ट्रीट क्राइम का इशू बहुत, इसका रेशो बहुत बढ़ गया है। सेंट्रल की बात नहीं, ऑल ओवर द कराची, लेकिन सेंट्रल में चूंकि आए दिन वारदातें होती हैं 12 बजे के बाद, जो आप नागन से लेकर यहाँ तक जो है ना मोबाइल। देखिए इसके लिए मैं एक बात और ऐड करता चलूँगा, गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। क्या रोल अदा? लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि जाहिर है उनके पास भी इख्तियार नहीं है ना। अगर उनके पास ये इख्तियार हो तो मेरे ख्याल में अब तक कराची के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही हो चुकी होती, और इंशाल्लाह ताला कामरान साहब उस वक्त गवर्नर हों या ना हो, हमारा CM होगा इंशाल्लाह ताला, हम उनके साथ उनकी पॉलिसी को भी अडॉप्ट करेंगे क्योंकि उनके पास एक अच्छा प्लान है और हम ये चाहते हैं कि जहां से भी अच्छा प्लान आए हम उस प्लान को जो है आगे लेके चलें। मतलब ख्वाजा साहब की मैंने ये देखा है कि पॉजिटिव थिंकिंग है, वो हर चीज को पॉजिटिव वे में लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव कि जो हो गया सो हो गया, अब उस पर लकीर पर रोने से कोई फायदा नहीं है, अब हमें जो है। अच्छा, पंजाब के लोग अभी भी यहाँ आने से डरते हैं। और एक और अहम सवाल कि सेंट्रल के अंदर बहुत ऐसे वाकयात हुए हैं, मैं आपको काउंट भी करवाऊंगी, स्ट्रीट क्राइम का बड़ा रेशो ज्यादा है, तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं पंजाब हो या पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, मैं उनको कहता हूँ कराची के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए, पहले वीज़ा चाहिए होता था, और अब मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल बेखौफ कराची में आइए, कराची में बिजनेस करें, कराची में आए रहें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अपनी जानों की कुर्बानी देके इस कराची को सेफ कर दिया। बाकी रह गया स्ट्रीट क्राइम्स का, तो स्ट्रीट क्राइम्स के लिए मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका एक बहुत बड़ा इकदाम है, क्योंकि अगर आप कराची में डकैती, स्नैचिंग, फ़ोन छीनना और ये सब देखेंगे तो ये जो गैर मुल्की लोग आए हुए थे ये बहुत बड़ी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि कराची से या मुल्क से जो भी इनलीगल लोग हैं जो बग़ैर वीज़े के कराची शहर या पूरे मुल्क में आ रहे हैं उनको यहाँ से निकाल के वापस भेजा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है ये हालात भी बेहतर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आने वाली गवर्नमेंट इंशाल्लाह सिंध में हमारी है, फेडरल में हमारी है, पीपल्स पार्टी की, फिर उसके बाद आप हमसे सवाल करिएगा कि इस इलाके में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अभी तो हम आपको जवाब नहीं दे सकते क्योंकि अभी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आपके वादे शादे, हम सब रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बाद में आप लोग मुकर ना चाहे, बाद में हम इनको पकड़ सके, इनको ही नहीं जितने भी उम्मीदवार हैं जितने भी वादे चल रहे हैं वो सब, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि भाई आपने कहा था और अब क्यों नहीं हो रहा। स्ट्रीट क्राइम का इशू बहुत, इसका रेशो बहुत बढ़ गया है। सेंट्रल की बात नहीं, ऑल ओवर द कराची, लेकिन सेंट्रल में चूंकि आए दिन वारदातें होती हैं 12 बजे के बाद, जो आप नागन से लेकर यहाँ तक जो है ना मोबाइल। देखिए इसके लिए मैं एक बात और ऐड करता चलूँगा, गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। क्या रोल? लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि जाहिर है उनके पास भी इख्तियार नहीं है ना। अगर उनके पास ये इख्तियार हो तो मेरे ख्याल में अब तक कराची के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही हो चुकी होती, और इंशाल्लाह ताला कामरान साहब उस वक्त गवर्नर हों या ना हो, हमारा CM होगा इंशाल्लाह ताला, हम उनके साथ उनकी पॉलिसी को भी अडॉप्ट करेंगे क्योंकि उनके पास एक अच्छा प्लान है, और हम ये चाहते हैं कि जहाँ से भी अच्छा प्लान आए हम उस प्लान को जो है आगे लेके चलें। हमें मुखालफत बरवाए मुखालफत नहीं करना, हमें मुखालफत बरवाए तहमीरात करना है, तो इंशाल्लाह ताला हमारे आप ये जो चीज़ें आप रिकॉर्ड कर रही हैं इसको आप मेरा हल्फिया बयान समझिए। सर अच्छा, यहाँ पे सेंट्रल की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आपका हल्का 250 है, CCTV कैमरे लगाए गए थे, बहुत पैसा खर्च हुआ, सब कुछ हुआ, ख़राब पड़े हैं, कोई उनको ऑपरेट नहीं कर रहा, मतलब अगर गवर्नमेंट एक चीज़ कर देती है उसके बाद लुक आफ्टर की जिम्मेदारी जिनकी होती है वो नहीं करते, उसके ऊपर इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? देखें इंशाल्लाह ताला अगर हम आए या नहीं आए और हमारे सिंध में और फेडरल में इंशाल्लाह गवर्नमेंट आई, हम ये दोबारा सारे रिपेयरिंग कराएंगे और फिर उस इलाके की मोहल्ला कमेटियाँ बना के उनको हम हैंडओवर कर देंगे कि आप अपने इलाकों को खुद संभालें। हमारा यही प्लान है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम इलाके के लोगों को ऑनरशिप देंगे, पानी के निज़ाम की ऑनरशिप देंगे ताकि कोई वहाँ का बॉल ना खोले, कोई यहाँ का बॉल ना खोले। इसी तरह से हम कमेटियाँ बना के जितनी भी नालियों की सफाई, ये सारी चीज़ें, हालांकि ये सिटी गवर्नमेंट का काम है, लेकिन सिटी गवर्नमेंट के साथ जाहिर है कि बिगाड़ इतना है तो शहर के लोगों को अगर आप ओनरशिप दे देंगे तो जाहिर है कि मुझे पता होगा कि मेरी गली में किस तरह करना है, और जब मैं एक
अभी मैंने बोरियों के इलाके में बोरियों ने जब सफाई की तो हमारी सॉलिड वेस्ट वगैरह गई, उन्होंने हमसे कहा कि हमें डस्टबिन चाहिए, हमने उस वक्त उन्हीं उसी वक्त डस्टबिन भिजवा दी। हमारी पूरी सॉलिड वेस्ट वहाँ थी, वहाँ मैं मौजूद था, वहाँ पे हमारे सईद गनी कराची के सदर मौजूद थे। तो देखें, हम चाह रहे हैं कि कराची के लोगों को उसकी ऑनरशिप दे दे। हमारा काम जो है MNAs और MPAs का वो रजिस्ट्रेशन है, और हमें कानून साजी करनी है, अमल दरामद जो है इदारों ने कराना है, अदलिया ने कराना है। लेकिन क्योंकि मेयर के पास एक बहुत बड़ी पावर है, और टाउन और मेयर अगर मिल के काम करें तो शायद कराची के मसाइल जो हैं वो जो सालों में हल होने हैं वो महीनों में हल हो जाएंगे। सही। अच्छा, आपका मुझे पहले ये बताइएगा, आपका जो NA 250 है उसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, ताकि आवाम को भी पता चले। देखिए, ये मेरे पास कुछ पापोश का एरिया आता है, पूरा नॉर्थ नजाबाद आता है, और थोड़ा सा मेरे पास जो है ये न्यू कराची का एरिया भी आता है। अच्छा, न्यू कराची मींस जैसे ये अंडा चौ मोड़ है, नागन चौरंगी, कुछ इस साइड भी सखी हसन आ रहा है, लेकिन उस कुछ एरिया आ रहे हैं, क्योंकि जिस शादमान टाउन शादमान आ रहा है, जिस तरीके से थोड़ा सा नक्शे चेंज हुए हैं तो उस हिसाब से काफी बड़ा एरिया है, और इंशाल्लाह सबके मसाले पापोश तक आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ताकि वो जो लोग हैं उनको पता हो कि हमारे एरिया में कौन है और हमने किसको वोट कास्ट करना है और निशान लगाना है, और कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिसने जिसका हमने सुना था मैनिफेस्टो बहुत अच्छा। आपका मैनिफेस्टो वही रोटी कपड़ा मकान का? देखिए, रोटी कपड़ा और मकान तो अब एक हमारा पुराना मैनिफेस्टो था, हमारे अभी 10 नुकाती मैनिफेस्टो जो है बिलावल साहब ने दे दिया है, 10 जी, जिसमें हम चाह रहे हैं कि नौजवानों को एम्पावर करें, कॉटेज इंडस्ट्री पे जाएं, तालीम का निज़ाम बेहतर हो, सेहत का निज़ाम बेहतर हो, मुल्क की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है कोई जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई मैं बता रहा हूँ, मुल्क का सबसे इम्पोर्टेंट जो मामला है इस वक्त इकोनॉमी, इकोनॉमी को सुधारना है हर सूरत में। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप अभी अगर आप इस इलाके में घूमेंगे तो आपके बहुत बड़े बड़े काम हो चुके हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। अभी आपको पता है कि मीना बाज़ार का अंडरपास भी स्टार्ट हो गया है, और अगर आप लोग, मैं तो चाहता हूं कि मीडिया जो है वो अपनी आंख से दिखाए, ना कि मेरे मुंह से कहलवाए। नहीं, मीडिया हम लोग सर्च कर रहे हैं, हम लोगों से भी तो आप लोग उसको जाके देखें। ये सारे काम डॉक्टर आसिम ने और पीपल्स पार्टी ने कराए हैं, कुछ पार्टियाँ उसको ओन करना चाहती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ओन करें, हमें कोई फर्क नहीं। हम तो ये कहते हैं कि आप आए और आपके कंपटीशन में हम आके हम शहर बनाएं, ताकि हमारा कंपटीशन होगा तो हमारे शहरियों को मिलेगा। इसलिए जिसको क्रेडिट लेना है वो ले, हम क्रेडिट नहीं लेते, हम कहते हैं चले हमारे साथ मिलके बनाएं। अगर आप हमारे प्रोजेक्ट को कहते हैं आपने बनाए, हम तब भी खुश हैं। हुआ है ना ऐसा कि पीपल्स पार्टी ने काम किया और किसी और ने जाकर उसको अपने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बात यह है कि चाहे जमात इस्लामी हो चाहे MQM हो, उन्होंने अपना घर तो नहीं बनाया ना, इलाके के लोगों का बनाया। वहाँ महाजिर भी रहता है, सिंधी भी रहता है, पठान भी रहता है, हर कौमियत रहती है। तो एक रोड में ये नहीं हो सकता कि अगर 4 घर महाजिर के हैं और 3 घर सिंधी के हैं तो मैं वो टुकड़ा छोड़ दूंगा। वो अगर 20 किलोमीटर का रोड है, 10 किलोमीटर का रोड है तो पूरा रोड बनेगा। अगर एक नाला है तो उसमें कोई भी आबादी रहती है, बल्कि उसके अंदर अगर गैर मुस्लिम पाकिस्तानी भी हैं तो वो भी उससे बेनिफिट लें, पानी की लाइन जाती है तो सब बेनिफिट लें। हम कहते हैं कि हमें एक सारी पार्टियों को कराची के लिए फूलों का गुलदस्ता बनना पड़ेगा, और हम अपनी तलखियों को भुला के सिर्फ ये सोचें कि कराची का शहरी गुलदस्ता है और मैंने उसके कांटे निकाल कर सब ने मिल फेंकने। अगर हम सब मिलकर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ फेंकेंगे तो इंशाल्लाह कराची 3-4 साल में बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर लड़ाई करनी होगी फिर लड़ लेंगे, कोई जरूरी तो नहीं है। यानी आप कहते हैं कराची सबका है, कराची सबका है, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे सबका, सबका। बड़ी अच्छी बात ख्वाजा सोहेल साहब ने की, कराची सबका है, और हम बेशक हम काम कर रहे हैं, अगर किसी और को ऑन करना है तो भले करे, हम सबको जो है हम पॉजिटिवली देखते हैं, हमें कराची को बेहतर तौर पर आगे लेके जाना है, रोशनियों का शहर अगेन बनाना है और दुनिया को दिखाना है। और सब पर आपने ट्रस्ट करके देख लिया, एक दफ़ा फर्दन जाकर आप हम पर भी ट्रस्ट करके देख लें। अच्छा, कोई और खास मैसेज जो आप पब्लिक को देना चाहें, NA 250 की, सेंट्रल की आवाम को? मैं पूरी पाकिस्तान की आवाम को दूंगा। अच्छा, मैं वही कहूंगा कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान कहती है ये वतन हमारा है, हमें पासवां इसके, तो अब वो 24 करोड़ों को कहना पड़ेगा ये वतन हमारा है, हम पासवां इसके। जिस दिन हमने ये अहद कर लिया तो उसके बाद ना मेरी ये फौज में तफरीक होगी, ना आवाम में तफरीक होगी, ना किसी कौमियत के साथ तफरीक होगी। उस दिन हमारा नारा होगा हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं,
हम पाकिस्तानी। अच्छा, आप इंशाल्लाह जब तक इंशाल्लाह इलेक्ट होकर जब आएंगे आप यहाँ पर, तो जो मार्केट्स के अंदर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, अफसरान हैं, वो गायब हैं, इसकी वजह से बड़ी परेशानी है। प्याज हमारा बेसिक हमारी पैदावार है, लेकिन वो आप बाहर जाके एक्सपोर्ट हो रही है, यहाँ पर बहुत महंगी मिल रही है। पब्लिक का ये डिमांड है, वो कहते हैं हमसे रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, हमें बड़े बड़े बिलों से कोई मकसद नहीं है, तो इसके ऊपर कुछ आप देखिए। बिल्कुल, इसके ऊपर मैंने आपको कहा माशी प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ, माशी पॉलिसी के ऊपर ये सब चीज़ें आएंगी। उसकी वजह ये है कि कुछ ज़खीरा अंदोज जो हैं, वो जो ज़खीरा कर रहे हैं उसके खिलाफ खैर केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा इकदाम उठाया है, स्टार्ट में लिया था शुरू में, लेकिन हम इंशाल्लाह आके उसका एक नया निज़ाम वज़े करेंगे। उसकी वजह है कि जिस तरह से दुनिया में एक निज़ाम है डेवलप कंट्रीज के अंदर कि मिलावट वाला सामान ना बिके, सबसे अहम चीज़ है, फिर आपके पास ज़खीरा अंदोजी ना हो, उसका एक निज़ाम बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए महंगाई हमारे पास क्यों है, महंगाई हमारे पास इसलिए है कि हम मंडी से जो सामान आता है उसमें बीच में आढ़ती है, आढ़ती जो होता है वो ब्रोकर होता है, क्योंकि जब एक काश्तकार को उसके पैसे पूरे नहीं मिलते, उसका ट्रक उतरता है, उसको पता होता है कि अगर शाम तक ये ना बिका तो सुबह इसका भाव कम हो जाएगा, तो औने पौने इनको दे के चला जाता है, ये अपने पास स्टोरेज कर लेते हैं और स्टोरेज करने के बाद आवाम को जो डबल कीमत पर भेजते हैं। तो बहुत सारे मेरे पास मैकेनिज्म है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारोबार आने के बाद है ना, आपने आने के बाद ये आरती सिस्टम का जो सिस्टम है ना, इनका भांडा खत्म करना है। आप इंशाल्लाह एक बार आजमाइए, फिर आपको पता चलेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि बिजनेसमैन हैं तो इसलिए ये बहुत अच्छी तरह सब डीप चीज़ों को जानते हैं, करते हैं कि कहाँ महंगाई हो रही है, कौन स्टोरेज कर रहा है, किसको ख़त्म करना है, किसका गिरबान पकड़ना है, और हम बड़े पोलाइटली तरीके से, और ख्वाजा सुहेल मंसूर बड़े आराम से धीमे अंदाज से, और वही इनका अंदाज है जो आसिफ जरदारी साहब बड़े मुस्कुरा कर आंसर देना, हर जो गलत बात है उसको भी बड़े मुस्कुरा कर जवाब देना, तो ये इसका अंदाज, इनका जो अंदाज है ये नई यूथ को बड़ा पसंद आ रहा है। तो बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।